तो गाइस आप भी यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड करते हो बट आपका व्यूज आता है 10 से 15 उससे ज्यादा 30 तो उससे ज्यादा नहीं आती है व्यूज, परेशान मत हो, मैं भी बताने वाला हूँ कुछ टिप्स जिसको यूज करने के बाद आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। बोले तो वायरल टिप्स के बारे में जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा और फॉलो करोगे तो आपका वीडियो वायरल होगा। तो पहले नंबर पे आपका आ जाता है जो है वीडियो एडिटिंग। आपको एक खतरनाक लेवल का एक वीडियो एडिटिंग करना होगा जिसको देखने के बाद कोई छोड़ के नहीं जाए और टॉपिक भी ऐसा करना होगा जिसको भाई खतरनाक लेवल का टॉपिक। और दो नंबर पे आ जाता है आपका उस टॉपिक के ऊपर जानकारी लेना और उसका एल्गोरिथम समझना और उसका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन और उसका टैग्स को ठीक तरीके से मैनेजमेंट करना। तो उसको कर लोगे तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा एकदम सिंपल प्रोसेस में। तो पहले वो स्टेप को फॉलो करो और अभी तक जो मेरे वीडियो को देख रहे हो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और भी बहुत सारे टिप्स हैं तो जैसा कि यहाँ पर थंबनेल एडिट करना होगा तो थंबनेल एडिट करने से आपका CTR हाई होगा। तो जब CTR हाई होगा आपका चैनल का वीडियो वायरल होने का चांसेस बढ़ जाएगा क्योंकि भाई आपका थंबनेल से ही पहले क्लिक करके सब लोग आता है। तो इसलिए थंबनेल को सबसे पहले बेहतर बनाओ। तो और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जैसा कि तीन नंबर पे आ जाता है आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। तो इस तीनों चीज़ भी बहुत मैटर करता है आपका वीडियो वायरल करने का। तो इसको पहले मैनेजमेंट करना है और भी बहुत सारे कुछ है तो आपको सब समझना पड़ेगा बट इसको करने के लिए आपको और भी बहुत सारे कुछ करना होगा। टाइटल को कैसे मैनेजमेंट करोगे, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर लिखोगे और टैग्स कहाँ पर डालोगे और उसके साथ आपका वीडियो एडिटिंग बहुत सारे कुछ है उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। तो देर क्यों कर रहे हो, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर से सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताएंगे थंबनेल कैसे एडिट करोगे। थंबनेल एडिट करने के लिए मेरे आई बटन में जाना, वहाँ पर एक ट्यूटोरियल मैंने दे दिया तो उसमें जाके वीडियो को देखो और सीख लो थंबनेल कैसे एडिट करना है। और भी बहुत सारे हैं जैसा कि वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग में अभी के लिए फिलहाल नहीं बोल सकता, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा, बोले तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इसलिए वीडियो एडिटिंग में बाद की वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स इसके बारे में बताता हूँ। तो चलो लेट्स गो, फाइंड आउट कर लेते हैं कैसे आप लोग करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल लोगे, यार मेरे वीडियो के हिसाब से मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया तो इसको मैं पहले कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पर डालने के बाद मेरे एक नोटपैड या तो आप कहीं पर भी एक लिख कर रख लेना आपका नो बोले तो डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर मैंने नोटपैड में मेरे डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके बोले तो रखा है तो इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लूँगा। तो पर से मैं देख सकते मेरा ये डिस्क्रिप्शन है तो मेरे अभी के लिए भी डिस्क्रिप्शन देखो ये सेम ही मिलेगा आपको। तो इसको मैं यहाँ पर पहले टैग्स को कट कर दूँगा। यहाँ पर से ये पहले का वीडियो का टैग्स है तो इसको मैं यहाँ पर से कट कर दूँगा। तो कट करने के बाद अभी न्यू टैग दूँगा। तो न्यू टैग देने के लिए मेरे को अभी जाना होगा मेरे वो टाइटल में। तो टाइटल को मैं यहाँ पर से कॉपी कर लूँगा। अब अभी टैग को कहाँ पर मिलेगा आपको, टैग को अभी के लिए बहुत अच्छा एक वेबसाइट है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर से रैपिड टैग, तो इस रैपिड टैग क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करने के बाद ऐसे सर्च वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको टाइटल को पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे की साइड में टाइटल को यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो जब भी यहाँ पर सर्च करूँगा तो टाइटल के हिसाब से आपका टैग्स आ जाएगा। तो बहुत एक अच्छा एक वेबसाइट है तो यहाँ पर से मैं ज़्यादातर टैग्स को यूज़ करता हूँ तो बहुत वायरल वायरल टैग दे देता है यहाँ पर से। तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे कि कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको एक चीज़ करना होगा, वो है यहाँ पर कॉमा है तो कॉमा को यहाँ पर से कट करना होगा। तो कट करके ऐसे पेस्ट कर दो तो एक एक करके एक टैग आ जाएगा। तो बहुत अच्छा एक बोले तो कोमा देके पेस्ट बोले तो ऐसे करके आप कर लेना। तो जो मैं जल्दी से कर लेता हूँ आप लोग भी जल्दी से कर लेना। तो करने के बाद एक टैग्स को देना होगा आपके टैग वाले सेक्शन में। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रुको, यहाँ पर से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं चले जाऊँगा मेरे टैग वाले सेक्शन में। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कॉपी करने के बाद मेरे टैग वाले सेक्शन में चले जाता हूँ तो नीचे की साइड टैग्स है तो इसमें मैं यहाँ पर टैग डाल लूँगा। तो टैग डालने के बाद आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि भाई टैग भी बहुत मैटर करता है क्योंकि भाई आपको कोई सर्च करेगा या तो
ऐसे करके मैं यहाँ पर टैग डाल देता हूँ, आप एक एक करके डाल देना, नहीं तो ये प्रोसेस भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कॉपी कट करके कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप भी चलो इस स्टेप को, सब स्टेप को मैंने बोला जितना, सबको फॉलो करो। और आपको वीडियो अपलोड करना है शेड्यूल करके, भाई आपको हर टाइम शेड्यूल करके वीडियो अपलोड करना है भाई, अनलिस्टेड कर पहले अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर जब एडिट करोगे तो यहाँ पर शेड्यूल करके पोस्ट कर देना, ठीक है। और कुछ नहीं यार, वीडियो में आज की वीडियो देखता, थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो एक प्यार सा लाइक करना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो देखता, जय जय भारत।